मजे की जलेबियाँ मिलती है जिसका नाम है गराटो जलेबी। और गराटो जलेबी वालों से हम पूछेंगे कि वो जलेबी में क्या ऐसा डालते हैं जो लोग इतनी दूर दूर से इनके जलेबियाँ खाने आते हैं। और आज तो मौसम भी इतना मजेदार और रोमांटिक किस्म का हुआ, हर कपल हर दोस्त अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जलेबियाँ खाने आए हैं, तो क्यों मैंने सोचा इरफान चलो हम दोनों भी चलते हैं जलेबियाँ खाने। और जरूर हम जाएंगे जलेबी खाने और यहाँ की मशहूर है बिकॉज वी आर द फुकर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मुझे बताइए ग्राटो जलेबी कहाँ से शुरू हुई, क्या इसको ग्राटो कहते क्यों हैं? ग्राटो जलेबी दरअसल जो है जर्मन जुबान में मोटे बंदे को ग्राटो बोलते हैं, उसी वजह से इसका नाम रखा गया है कि ये ऐसे महसूस सही नाम महसूस हो। और क्योंकि ये जलेबी मोटी है इसलिए ग्राटो के नाम से मशहूर हुई है। ये दरअसल शुरू पिंडी से हुई है और पिंडी से के बाद लाहौर में आई है। और ये जलेबी जो है ना मोटी होती है, इसमें ये ग्राटो जलेबी इसलिए कहा जाता है। सर इस जलेबी की दुकान को कितना अर्सा हो गया बने हुए? कम से कम इस दुकान को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। 10 साल से ज्यादा हो गए। तो सर ग्राटो जलेबी तो ठीक है जलेबी है, इसके अलावा ग्राटो का और भी कोई प्रोडक्ट है खाने में? ग्राटो क्योंकि ये जलेबी है इसकी वजह है, ग्राटो जलेबी इसलिए खाई जाती है, इसमें कुछ वजह होने के बावजूद नहीं खाई जाती। ये जलेबी में केमिकल नहीं लगते, दूसरी जलेबी में अमोनिया रंग का टाटरी वगैरह इतने शदीद किस्म के केमिकल लगते हैं और इसमें नहीं लगते। और ये जलेबी जो है ना खाली मैदे की नहीं बनती, इसमें दालें भी डलती हैं, इसलिए ये बहुत बेहतरीन होती है, खस्ता होती है। दूसरी बात ये कि जलेबी भारीपन पैदा नहीं होने देती, दूसरी जलेबी आप खाओगे वो भारीपन पैदा करती है, ये नहीं होता, हैवी हो जाता है। हाँ जी ये क्रंची भी होती है, इस वजह से लोग इसे ज्यादा खाते हैं। और खास तौर पे बारिश के मौसम में ये बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं लोग और ये जलेबी खाते हैं। इसके अलावा समोसे भी है ना सर, समोसों के बारे में? इसके अलावा हमारे पास समोसे होते हैं, आलू वाले समोसे और चिकन वाले समोसे होते हैं। ये सामने क्या पड़ा? और ये स्वाती है जो स्वाद की मिठाई है, जो खास तौर पे स्वाद वाले ना कावे के साथ खाते हैं। अच्छा। वो ये वो हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है कि लोग भी खाएं और शुरू अभी की है हमने ये। अच्छा अंकल ये शुरू कहाँ से हुई ये बताइएगा हमें जरा? ये शुरू जो है ना पिंडी से हुई है, उसके बाद लाहौर में आई है। लाहौर में आए हुए काफी अर्सा हो गया। इसके कितनी ब्रांचेज हैं? ब्रांचेज तो हमें नहीं पता, हमारे पास तो 2 ब्रांचे हैं, एक बैरिया में है और एक यहाँ है। नहीं जोहर टाउन में भी है, एक भी है इसकी अलग है, हमारी नहीं है। अच्छा नाम उन्होंने सबने फिर ग्राटो जलेबी क्यों रखा हुआ? एक रसगुल्ला होता है उसका नाम रसगुल्ला ही होगा, ये जलेबी है तो ग्राटो जलेबी ही है, तो उसके नाम से कोई भी बना सकता है। हाँ ये है कि हमारी मन्नो सलवा की ग्राटो जलेबी है, तो फजल वालों की होगी तो वो फजल वालों की ग्राटो जलेबी होगी, ये हमारी ग्राटो जलेबी जो है मन्नो सलवा से है। थैंक यू सर, आपने हमें अपना बताया कि इसका नाम क्यों है, कहाँ से शुरू है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दुकान और तरक्की करेगी। इंशाल्लाह शुक्रिया जजाकल्लाह। आमीन 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 फेमानिल्लाह। ओके लाफि।